हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, अल्फाबेट्स के हमने सीक्वेंस में ऑर्डर में नंबर्स याद किए थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करी थी, जिन्हें अच्छे से समझा था। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। और जिन्होंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उसके थ्रू वीडियो पे जाइए, उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छे से कोडिंग और डिकोडिंग क्लियर होगा, क्योंकि ये उसका सेकेंड वीडियो है। आज हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए बहुत ही बेसिक है आज जो हम सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था उसके सीक्वेंस ऑर्डर, है ना, हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसे सीखा था अगर देखा जाए तो। अब जो हम सीखने वाले हैं वो कैसा सीखने वाले हैं, अपोजिट, मतलब Z1 होगा तो Y2 होगा, A26 हो जाएगा। अब ये कैसे याद रख, इसे याद रखना और आसान है, बस आपको थोड़े से कुछ कोड्स बोलूंगा मैं, मतलब वैल्यूज हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। एक बात और मैं आपको बोलता जाऊंगा बीच में, अगर आपको वो समझ में आ जाएगी अच्छे से, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कोडिंग एक बार समझ में आ गई कि किस तरीके से याद करना है, तो आप खुद भी बना सकते हो जो ये अपोजिट याद करने वाला प्रोसीजर है। कैसे मैं बताता हूं, तो देखिए यहां पर जो मैंने कोडिंग बनाई है सब अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब देखो ए के अपोजिट क्या हुआ जेड, बी के अपोजिट वाई होता है, सी के सब अपोजिट एक्स होता है, और डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट क्या होता है वी, एफ के अगर अपोजिट में देखोगे यू, जी के अपोजिट में आता है टी, एच के अपोजिट में आता है एस, I के अपोजिट में R, J के अपोजिट में Q, K के अपोजिट में P, L के अपोजिट में O और M के अपोजिट में N। आप सोच रहे होंगे सर मैंने यहाँ पर क्यों, आपने सर यहाँ पर M तक ही मेंशन किया है। देखो बच्चे, यहाँ पर जैसे मैंने M तक मेंशन किया था, M के बाद अब मैं क्या लिखता है यहाँ, N, N तो मेरा यहाँ कवर हो गया था, मतलब मैंने पूरे के पूरे अल्फाबेट कवर कर लिए हैं, किसके अपोजिट क्या आता है, आपको इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये कहां तक है 13, M कहां तक आता 13 तक आता, 13 अल्फाबेट ही हो गए और 13 ही इसके सामने लिखे हुए हैं वो अपोजिट, 13 और 13 कितना हुआ 26। याद करने की टेक्निक बहुत आसान है, A के अपोजिट Z होता है पूरी दुनिया जानती, इसे याद करने की जरूरत अलग से है ही नहीं, A टू Z इसलिए लिख दिया मैंने। B के बाद आपका आता है Y, B के जस्ट अपोजिट क्या होता है Y होता है, तो इसे आप बोल सकते हो बाय भी बोल सकते हो, बाय बाय करते हैं वो भी बोल सकते हो, बॉय भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, या इसके अलावा आपको कुछ ऐसा वर्ड लगता है जो आप हमेशा याद रख सकते हो वो भी आप अपनी सहूलियत से याद रख सकते हो, जो कि मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी टेक्निक भी इसमें बना सकते हो, क्योंकि जो वर्ड हमें याद रहता है वो हम यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपको अगर लगता है इसके अलावा भी कुछ है तो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सी का एक्स, तो इसके दो वर्ड्स बनाए हुए हैं कोरेक्स, आपने देखा होगा काफी की एक सिरप आती है कोरेक्स, तो वो याद रख सकते हो आप। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं देखो एक्स को सी एक्स, तो यहां पर सी एक्स अगर मैंने बोला तो सी के अपोजिट क्या आता है एक्स आता है, बस यही बात। डी के अपोजिट आता है डब्ल्यू, इसे याद करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड थे, वर्ल्ड था, वर्ड था, या अगर मैं कहूं वुड भी बोल सकता हूं, या आपके ऊपर है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और लगता है कि कुछ आसान सा और बना सकते हो आप, या आपको याद है रहेगा तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए कि डी के अपोजिट आता है डब्ल्यू। देखिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हमेशा काम आती, एफ के अपोजिट यू, तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगा वो लगा उफ, हम हर चीज में बोलते उफ ये हो जाता, उफ वो हो जाता, अच्छा ऐसा हो गया, उफ ये गर्मी, तो यहां पर आप देखो अगर F के अपोजिट U है तो मैं क्या बना सकता हूं उफ, उफ से हमेशा याद रहेगा U stands for U, F का मतलब आपका F हो गया, तो U के अपोजिट U के अपोजिट F, तो F के अपोजिट U। G T, तो आप याद रख सकते हो TG टीचर गार्जियन, या आप रख सकते हो गोट गेट गैट, जो आपको लगे वो वर्ड या कुछ और नाम है ऐसे जो आपको आसानी से याद रहे तो वो भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं H और S की, H के जस्ट अपोजिट क्या आ रहा है S, और HS का अगर मैं देखूं तो हाउस हॉर्स, है ना, ये वर्ड तो है, लेकिन इसके अलावा एक और बनता है, आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा पहले एक सीरियल आता था
श कोई है, तो जब हम श बोलते हैं तो उसमें एस और एच यूज होता है कि नहीं होता है? तो एस के अपोजिट क्या आता है? एच, और एच के अपोजिट क्या होगा? आसानी से याद हो गया। तो जब भी हम उल्टा करेंगे, एच कौन से नंबर पे आता है बच्चों? आठवें। तो अगर मुझे उल्टी काउंटिंग करनी पड़ेगी तो एच के स्थान पे क्या आएगा? हमेशा एस आएगा। तो एस की नंबरिंग हो जाएगी तब आठ, और एस की जो नंबरिंग थी वो कहां शिफ्ट हो जाएगी? एच के साथ। मतलब इनके नंबरिंग जो वैल्यूज थी वो इंटरचेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आईआर की मैं बात करूं तो आईआर का मतलब होता है इंडियन रेलवे, सभी लोग जानते हैं। तो आई के अपोजिट क्या होता है? आर। आप चाहो तो आरआई भी कर सकते हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो आरआई भी बहुत आसान है। आर के अपोजिट होता है आई। जे के अपोजिट होता है क्यू। ताश के पत्ते सभी लोगों ने खेले, नहीं खेले तो आप सब लोग जानते होंगे, एक उसमें पत्ता होता है जिसे आप कहते हो जैक, तो हम उसे भी याद रख सकते हैं यहाँ पर जैक नाम से। या क्रिकेट का कोई यहाँ पर फैन हो तो वो आसानी से याद रख पाएगा, जैक कैलिस करके जो ऑलराउंडर है बहुत महान, उनका नाम तो ऐसे ही था जैक करके, जिसमें क्यू वर्ड भी यूज होता था। तो जैक जे के अपोजिट होता है क्यू। एल के अपोजिट होता है ओ। जैसे अगर हम कई बार कमेंटिंग में लिखते हैं लोल, जिसका मतलब हम हंस रहे होते हैं, जो भी है किसी कमेंट पे जो कॉमिक कमेंट होता है जब हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? लोल। तो एल के अपोजिट होता है ओ, तो आप लोल करके भी उसे याद कर सकते हो, या आप बोल सकते हो ऑनलाइन। इसके बाद अगर मैं देखूं लास्ट में है एम के अपोजिट होता है एन। देखो एम के बाद क्या आता है बच्चों? एन, और एम का ही अपोजिट क्या होता है? एन। ऐसे भी याद रख सकते हो, या आप मैन करके भी इस वर्ड को याद रख सकते हो कि एम के अपोजिट होता है। अब बात रही इसका क्या फायदा होगा, हम प्रैक्टिस कर लेंगे हमें याद हो जाएगा। देखिए इसका फायदा ये होगा कि जब आपकी कोडिंग में कराऊंगा ना क्वेश्चन, उसमें इन सब का यूज होने वाला है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अपोजिट कोडिंग आ जाती है, आपको याद रखना पड़ता है किस अल्फाबेट का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होता है। बस यही था जो आप लोगों को अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे अगले वीडियो से। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी वर्ड, जैसे एक वर्ड मैंने मिस कर दिया, मैं बता देता हूं, केपी। के की अपोजिट है पी, मैंने वहां पर लिखा हुआ पी के। पी के मूवी सभी लोगों ने देखी हुई है तो आसानी से याद हो जाएगा कि के अपोजिट होता है पी। देखिए इसके अलावा जितने भी मैंने यहां पर वर्ड्स लिखे हैं, इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ आसान पड़ रहा है याद रखने में, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब फंडे याद करने के। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और आसानी से याद करने में भी आपको सुविधा लगेगी। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।